नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट में और मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल। हाजिर हूं फिर से एक और वीडियो लेके। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को एक शायरी सुनाना चाहूँगा, जो कि यह है कि मेरे पिता मेरा ऐसा एक गुरूर है जिन्हें कोई तोड़ नहीं सकता और जो कभी टूट नहीं सकता। जी हाँ, फादर्स डे आने वाला है दोस्तों, और फादर्स डे के मौके पे ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। इस वीडियो में बॉलीवुड की ऐसी खास फिल्में आपको मैं बताऊँगा जो कि बाप बेटा, बाप बेटी, यानी पिता के जो पिता का संघर्ष होता है अपने बच्चों के लिए, पिता का जो रोल होता है, पिता का जो सपोर्ट होता है हमारी लाइफ में, उन पूरे उस चीज़ों पे बेस्ड है, उस सब्जेक्ट पे बेस्ड है। तो पांच ऐसी फिल्में आपको बताने वाला हूं जो टॉप बॉलीवुड की फिल्में, जिन्हें देखने के बाद आपकी आंखों में नमी आ जाएगी और आपको पूरा एकदम ग्राउंड रियलिटी पता चलेगी कि बाप का जो या पिताजी का जो क्या सपोर्ट होता है, क्या एक हमारी लाइफ में क्या एक असेंशियल उनका होना कितना ज़रूरी है। तो पहली फिल्म से शुरुआत की जाए तो सबसे पहली फिल्म जो मैंने मेरी काफ़ी फेवरेट है, काफ़ी दिल के करीब है, जो कि है दंगल। 2016 में आई फिल्म काफ़ी ज़्यादा जो है प्रेरित करने वाली कहानी है। ये एक ऐसे पिता की कहानी है जिसने अपने दोनों बेटियों को पहलवान बनाना चाहा, और उसके बाद ये फिल्म की भारतीय ऐसी फिल्म है जिसमें कि दो जो पहलवान थी जिनका नाम था महावीर फोगट और गीता फोगट, दो ऐसी पहलवान थी जिनके ऊपर ये मूवी जो है बेस्ड है, और इसमें गीता और बबीता का जो रोल था वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था लोगों को। इसके बाद आपको बताएं कि आमिर खान ने इनके पिताजी का रोल निभाया था और इन्होंने कहा था अगर बेटे कुश्ती कर सकते हैं तो मेरी बेटियाँ भी बेटों से कम नहीं हैं और ये भी कुश्ती कर सकते हैं। उनको इन्होंने ग्राउंड में एक अखाड़े में पूरा सिखाया, खुद पटक के नीचे फेंका ताकि ये ज़िंदगी के जो कह सकते हैं कि ज़िंदगी जो ठोकरें हैं वो सह सकें, और पूरा जो सपोर्ट सिस्टम है फादर का अपनी बेटियों के लिए कितना होता है, और बेटा और बेटी किसी से कम नहीं होते, दोनों बराबर होते हैं, ये इस मूवी में हमें सबसे अच्छी चीज़ देखने को मिली है। तो बढ़ते हैं अगली मूवी की तरफ। अगली मूवी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि अगली मूवी में जो काफ़ी मल्टी स्टारर मूवी है, इस मूवी का नाम है पिकू। जी हाँ, 2015 में ये मूवी आई थी जिसमें कि दीपिका पादुकोण, इरफान खान, अमिताभ बच्चन जैसे बड़े बड़े स्टार्स हैं, अभिषेक बच्चन जैसे, जो कि इस मूवी में जान डाल देते हैं। आपको बता दें कि 2015 में ये फिल्म जब आई थी तो इसमें बेटी और जो पिताजी उनके खास रिश्तों को ये बयां करती है। फिल्म में बेटी का जो किरदार था दीपिका पादुकोण ने निभाया था और पिता का जो किरदार था अमिताभ बच्चन ने निभाया था, और इस फिल्म में जो इरफान खान है उनकी भी मुख्य भूमिका रही है। फिल्म में जो इस फिल्म में दीपिका पादुकोण होते हैं उनकी माँ नहीं होती, जिसकी वजह से जो बीमार पिता होते हैं उनकी जो देखभाल होती है दीपिका पादुकोण को करनी पड़ती है, और बेटी अपने पिता का कैसा ख्याल रखती है, बेटी और जो पिता का जो प्यार है, जो केयरिंग है, जो फील वो दोस्तों स्क्रीन पे झलकी, वो काफ़ी लोगों ने एकदम उसको रिलेटेबल समझा अपने आप से, और काफ़ी ज़्यादा लोगों की आंखों में आंसू आ गए कि कैसे बेटी का जो प्यार है वो पिता के लिए कितना ज़्यादा जो है उनकी लाइफ से आधारित है, और इसी के साथ साथ कैसे वो अपने पिता का ख्याल रखती हैं, सारी चीज़ें जो हैं इस फिल्म में आपको देखने को मिल जाती हैं। और एक फिल्म जो मैंने काफ़ी ज़्यादा अपने बचपन और स्कूल टाइम में इन्जॉय की थी जिसका नाम था पा, इस फिल्म में जो है पिता का जो किरदार था अभिषेक बच्चन ने निभाया था और उनके बेटे का किरदार अमिताभ बच्चन ने निभाया था। तो अमिताभ बच्चन ने जब बेटे का किरदार निभाया, आप सोच सकते हैं जो बेटा था वो बाप बन गया और जो बाप था वो बेटा बन गया। जी हाँ, फिल्म में विद्या बालन भी हैं जो कि एक अहम किरदार निभाती हैं, और दिखाया गया इसमें अमिताभ बच्चन को 13 साल के बच्चे के रूप में, और इसमें जो बीमारी होती है बेटे को अभिषेक बच्चन के, उसका नाम था प्रोजेरिया, जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें कि बेटे की उम्र तो बढ़ जाती है लेकिन दिमाग उस तरह से विकसित नहीं हो पाता। तो कैसे बेटे और बाप का जो रिश्ता है, कैसे वो उनको उंगली से पकड़ के चलना सिखाते हैं, नीचे से कैसे उनको ऊपर तक लेके जाते हैं, वो चीज़ें इसमें डिस्क्राइब की गई हैं, और कैसे जो एक अलग सा एक रोल जो है पहली बार ऐसा लाइफ में हुआ था कि बेटे का रोल बाप ने निभाया था और बाप का रोल बेटे ने निभाया था। तो ये पूरी जो केमिस्ट्री है बाप बेटे की वो इस फिल्म में पूरी हमें देखने को मिल जाती है। इसके बाद आपको बताएं कि अगली जो फिल्म है वो है छिछोरे, जो कि काफ़ी मेरे वन ऑफ द फेवरेट फिल्म्स में आती है क्योंकि इसमें सुशांत सिंह राजपूत थे, और इस फिल्म में उनके बेटे के साथ उनकी ज़बरदस्त केमिस्ट्री दिखाई गई है क्योंकि उनका बेटा जो है इस फिल्म में सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश करता है क्योंकि वो IIT क्लियर नहीं कर पाता, जहाँ पे उनके जो पिताजी हैं वो कहते हैं कि तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें बेटा नहीं मानता, बेटे से ज़्यादा तुम मेरे दोस्त हो, बेस्ट फ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड की तरह मैं तुम्हें समझाता हूँ कि लाइफ में सुसाइड इज़ नॉट अ ऑप्शन, और तुम्हें बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है, ऐसा नहीं है कि तुम एक एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाए तो उससे तुम्हारी नॉलेज है, उससे तुम्हारी कैपेसिटी जज कर दी जाएगी कि तुम्हें कितना पोटेंशियल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा है कि जब उनका बेटा ICU में कोमा में था उनकी रिकवरी के लिए हर मुमकिन कोशिश की जिससे कि उनका बेटा रिकवर हो सके, और बाप लेकिन असल ज़िंदगी में बेशक सुशांत हमारे बीच में नहीं रहे लेकिन एक सबक सिखा के चले गए कि कभी भी सुसाइड नहीं करनी चाहिए, ये बहुत गलत चीज़ है। अगर आप में कोई प्रॉब्लम है अपने पिताजी से बात कीजिए, अपने माता पिता से बात कीजिए, हर एक
जो अपने करीबी आप जिनको मानते हैं उनसे बात कीजिए। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत की ये ऐसी सब्जेक्टिव फिल्म एक आखिरी फिल्म थी, फिर आखिरी जो फिल्म जो पांचवी फिल्म आपको बता दें कि ये सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग फिल्म है वन ऑफ द, क्योंकि इसमें एक फ़नीनेस है, ड्रामा है, फैमिली एक कॉमेडी है। तो आपको बताइए 102 नॉट आउट यानी 102 नॉट आउट एक फिल्म का नाम है जो कि 2018 में रिलीज़ हुई थी। इसमें इस फिल्म में आपको अमिताभ बच्चन 102 साल की उम्र में दिखाई दिए हैं जिन्होंने पिता का किरदार निभाया, और ऋषि कपूर जो 75 साल के बेटे बने हैं उन्होंने बेटे का जो है किरदार निभाया। दोनों एक साथ रहते हैं और बेटे और जो पिता के बीच की केमिस्ट्री है, जो कि मतलब बाप जो है बेटे से भी ज़्यादा बूढ़ा है, बाप जो सिखाता है कि बेटा जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खड़ूस होता है, तो वो प्यार करना सिखाता है पिताजी अपने बेटे को कि कैसे वो अच्छी तरह प्यार से रहें, कैसे वो बचपन में जो चीज़ें करते थे बड़े होकर वो खड़ूस बन गए, भूल गए अपने पिताजी से, थोड़ा रूडली भी अब बात करते थे, तो कैसे छोटी छोटी चीज़ों से, छोटी छोटी बातों से उनको एक एग्जाम्पल दे के समझाना कि, क्योंकि होता ना कि जब इंसान बूढ़ा होता जाता है उनका दिमाग थोड़ा सा बचपन वाली तरफ हो जाता है, खड़ूस हो जाता है, तो वो सब चीज़ों को अच्छा बेटर करने के लिए, उनको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए इसमें बाप बेटे की जो जुगलबंदी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है देखने के लिए। और मैं आपको पर्सनली इस फादर्स डे पे एक पर्सनली एक रिक्वेस्ट है कि इस मूवी को तो ज़रूर आप देखना, क्योंकि बहुत अच्छी इसमें केमिस्ट्री जो दिखाई गई है, दर्शाया गया काफ़ी अच्छी तरह बाप बेटे का जो रिश्ता है। तो आपको ये पूरी लिस्ट कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं दोस्तों, और हमारी पूरी टीम की तरफ से जितने भी भारत में जितने भी पिताजी हैं, जिनके पिताजी हैं चाहे नहीं है, सभी को हमारी तरफ से हैप्पी फादर्स डे, और जिनके पिताजी नहीं हैं उनको जो जहाँ पे भी वो हैं उन सबको हमारी तहे दिल से एक रिस्पेक्ट है, एक सम्मान है, और सब पूरी टीम की तरफ से आपको हैप्पी फादर्स डे, और अपने पिताजी के साथ एंजॉय करें, उनको हमेशा खुश रहें, और ऐसी कोई चीज़ उनको ज़रूर उनके लिए करें जिनसे उनको खुशी मिले। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसे हमें प्यार करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट।